हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है कोरोना वीडियो में। इस वीडियो को समय निकाल के ध्यान से देख लेना। ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। आपके जीवन का सवाल है, आपका मसीह जीवन कैसा होना चाहिए, आपकी नींव कैसी होनी चाहिए, आपको कैसा जीवन बिताना चाहिए, परमेश्वर कब आएगा, यीशु मसीह कब आएगा, समय कम है, दिन बुरे हैं। आपको इस वीडियो को देखना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि समय कम है तो और भैया दिन बुरे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं, दिन कठिन आने वाले हैं। समय कम है, दिन कठिन आने वाले हैं। मेरे प्रियजन, यीशु ने कहा है, ना तो तुम उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को जानते हो। मेरे प्रियजनों, आज के इस कलयुग में, आज के इस समय में बहुत से मसीह भाई बहन अपना जीवन ऐसे बिता रहे हैं कि उन्हें कभी मरना ही नहीं है। वे अपना जीवन ऐसे बिता रहे हैं, उन्हें मरना ही नहीं है। कुछ ऐसे मसीह हैं जो अपना जीवन प्रभु में ईमानदारी से बिता रहे हैं, और कुछ ऐसे मसीह पड़े हुए हैं जो सिर्फ नाम के मसीह हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु जिनका मन है, विवेक है, मुझसे दूर रहता है। चमत्कार के पीछे भागने वाले लोग, पास्टर के पीछे भागने वाले लोग स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो सकते। परमेश्वर का वचन कहता है, उस दिन, इस दिन न्याय के दिन, मत्ती की पुस्तक बताती, न्याय के दिन बहुतेरे मुझ से कहेंगे, यीशु मसीह से कहेंगे न्याय के दिन, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या मैंने तेरे नाम से बड़े चंबे काम नहीं किया? क्या तूने स्वर्ग से देखा नहीं था? परमेश्वर कहेगा, मैं तुझे नहीं जानता, तुम कहाँ के हो और कहाँ के रहने वाले हो। मेरे आँख के सामने से उस विनाश की अग्नि में चले जाओ जो शैतान और उसकी दूतों के लिए तैयार की गई है। हमें परमेश्वर की इच्छा पर चलना है। परमेश्वर की क्या इच्छा है, परमेश्वर क्या चाहता है, हमें उसकी इच्छा को जानना है। हम चर्च जाते हैं आमीन बोल के, हालेलुया बोल के, हम स्वर्ग नहीं चले जाएंगे। पिता का नाम लेने से हम स्वर्ग नहीं चले जाएंगे। हमें अगर स्वर्ग जानना ही है तो हमें परमेश्वर की इच्छा पर चलना है। उसकी क्या इच्छाएं हैं? संसार से मित्रता नहीं करना है, संसारिक लोगों से मित्रता नहीं करना है। संसार से परमेश्वर ने चुनकर हम सभी को अलग किया है। परमेश्वर ने निकाला है संसार से, कचड़े से, अंधकार से निकाला है। आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानिए। जो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने अपने वचन के माध्यम से दिया है, चोरी न करना, गाली न देना, झूठ न बोलना, चुगली न करना, लालच न करना, व्यभिचार न करना, मूर्ति पूजा न करना, तो परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर को ही दंडवत करना। यदि आप आज्ञाएं मानते हैं तो आप स्वर्ग जाओगे। यदि आपके अंदर आज्ञा नहीं है, वचन नहीं है, यदि आप खाली खोखले हो तो आप स्वर्ग का अनुभव कभी नहीं ले पाओगे। क्योंकि जहां पर यीशु मसीह रहता है वह जगह पवित्र है, वहां सिर्फ और सिर्फ पवित्र लोग ही जा पाएंगे। पाप करने ले, व्यभिचार करने ले, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सेक्स वीडियो देखने ले, घिनौने काम करने ले, संसारिक जीवन बिताने वाले, वे स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे। जो दो नाव पे पैर रखते हैं वो नाव डूब जाएगी, धरती बीच से पटेगी तो बीच में दब जाएंगे। हमें एक नाव पे पैर रख के चलना है, परमेश्वर के वचन पर चलना है, यीशु मसीह से प्रेम करना है। यदि आपके जीवन में कुछ ऐसे पाप हैं, लक्षण हैं, तो दुआ करो परमेश्वर से कि यीशु मसीह अभी ना आए। क्योंकि परमेश्वर जब आएगा उसके कामों के अनुसार उसका न्याय परमेश्वर करेगा, और न्याय करके स्वर्ग सिंहासन के सामने खड़ा करके न्याय करेगा, और न्याय करके उसको नर्क में परमेश्वर फेंक देगा, जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े कभी नहीं मरते हैं, जहाँ का धुआं युगानुग उठता रहता है। समय है, मन फिराओ, करो या मरो, मन फिराओ और लौटाओ, पश्चाताप करो। समय कम है, दिन बुरे हैं, समय कम है, दिन भयानक आने वाले हैं। यीशु ने कहा है तुम नहीं जानते हो मेरा कब आना होगा, मैं कब आऊँगा, वो समय, वो घड़ी कब की होगी। यीशु मसीह अचानक आएगा, परमेश्वर अचानक आएगा। कोई तो समय पाप कर रहा होगा, कोई तो समय सेक्स वीडियो देख रहा होगा, कोई तो समय गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में पड़ा होगा, परंतु जो उस समय तैयार होगा, अपनी तैयारी बना के रखा होगा, उसको यीशु मसीह बदल कर उठाएगा। वरना हमारा शरीर रूपांतर नहीं होगा, बदलेगा नहीं, हमारा शरीर स्वर्गीय देह में नहीं होगा। यदि हम संसारिक जीवन बिता रहे हैं, पाप करने में विचार करें, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सेक्स वीडियो इसी में लिप्त है, उन्होंने काम में जकड़े हैं, पाप में जी रहे हैं, पाप भरी जिंदगी जी रहे हैं, तो ये ख्याल दिल और दिमाग से निकाल देना कि परमेश्वर मुझे स्वर्ग दे देगा। नो, आप गलत हो। जहाँ पर यीशु मसीह रहता है वह जगह पवित्र है,
वह सिर्फ और सिर्फ पवित्र लोग ही जा पाएंगे। तुमने जो पाप किया है, व्यभिचार किया, पाप किया, अपने पापों को यीशु के सामने मानो, अंगीकार करो, पश्चाताप करो, तोबा करो, मन फिराओ, पवित्र जीवन जियो, तभी आप स्वर्ग जा पाओगे, परमेश्वर आपको स्वर्ग लेकर जाएगा। मेरे प्रियजन, आशा करता हूँ छोटा संदेश आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को अपने मसीह भाइयों के पास दबा के शेयर करें। आप सभी को जय मसीह की, गुड लक।